Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का 144वां यौम पैदाश मिली यकजहती से मनाया गया। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा कि कायदे आजम ने मुसलमानों के लिए आजाद वतन बनाने के लिए बेलौस मिसाली किरदार पेश किया। पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादी के हवाले से अमरीकी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि रिपोर्ट पाकिस्तान के जमीनी हकाइक के बरक्स है। गवर्नर सिंह कहते हैं कि वजीर आजम वजीर आला सिंह से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आला ने शिकवा किया कि उन्हें वजीर आजम के दौरे कराची की इतला नहीं दी जाती। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार जोशो जज्बे से मनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत की तशकील के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त पर समाअत के लिए फुल बेंच तशकील दे दिया है। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a Senior Case Analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली, कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311। एड्रेस 565 मार्कम रोड, स्कारब्रो। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का 144वां यौम पैदाइश मिले जोश खरोश से मनाया गया। दिन का आगाज नमाज फजर के बाद खुसूसी दुआओं से हुआ, जिसमें कायदे आजम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का 144वां यौम पैदाइश मिली यकजहती से मनाया गया। बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का 144वां यौम पैदाइश मिली जोश खरोश से मनाया गया। दिन का आगाज नमाज फजर के बाद खुसूसी दुआओं से हुआ, जिसमें कायदे आजम की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मजार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें आला हुकूमती अस्करी और सियासी शख्सियात शरीक हुए। पीएमए कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। गार्ड्स के दस्ते में खवातीन कैडेट्स भी शामिल हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कायदे आजम के यौम पैदाइश के मौके पर पैगाम में कहा कि मुसलमानों के लिए आजाद वतन बनाने में कायदे आजम ने बेलौस मिसाली किरदार पेश किया। उन्होंने पूरी दुनिया में लाखों अफराद को मुतासर किया। कायदे आजम ने जिस फैसला कुन तहरीक आजादी की सरबराही की, वो उनकी सियासी बसीरत का मजहर है। सदर आरिफ अलवी ने अपने
पैगाम में कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में खास दिन के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन एक अजीम रहनुमा की पैदाइश हुई। अजीम रहनुमा ने बर आजम का जोग्राफिया बदला और हमें पाकिस्तान अता किया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के डायरेक्टर जनरल आसिफ अफूर ने कायदे आजम के यौम वलादत के हवाले से पैगाम जारी करते हुए कहा है कि जो लोग क़याम पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे थे उन्हें आज एहसास हो रहा है। कुछ बात करेंगे तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका की मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट के नतायज शफाफियत और उसकी साख पर सवालात उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मजहबी आज़ादी के लिए मुआवन साबित न होने का इम्कान है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जानिब से अमरीका की वो रिपोर्ट मुस्तरद हो गई है जिसमें मजहबी आज़ादी के हवाले से इल्ज़ाम आयद किए गए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका की मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट के नतायज शफाफियत और उसकी साख पर सवालात उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मजहबी आज़ादी के लिए मावून साबित ना होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि अमरीकी रिपोर्ट में मखसूस ममालिक को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मजाहिब के अफराद को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के जमीनी हकाइक के बरक्स है। मकबूजा कश्मीर के सूरतेहाल से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस के दो इजलास मुनक्किद हुए। इंसानी हुकूक काउंसिल ने भी मकबूजा कश्मीर के मामले पर आवाज उठाई है लेकिन इस रिपोर्ट में भारत को शामिल ही नहीं किया गया जिससे इसकी जानिबदारी साबित हुई है। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान में मजहबी आजादी के लिए पार्लियामेंट अदलिया और हुकूमत ने ठोस कोशिशें की जबकि आला अदलिया ने अकलियतों के मजहबी मकाम के तहफ़ के लिए फैसले दिए। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि मीटिंग्स का सिलसिला जारी रखेंगे। वजीर आजम 27 दिसंबर को कराची आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दौरे कराची में वजीर आला सिंध से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि उन्हें वजीर आजम के दौरे कराची की इतला नहीं दी जाती। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमराह मजार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का तवील इजलास हुआ जिसमें बहुत सी मुस्बत बातें हुई। वजीर आजम के साथ काफी मसाइल पर तवील गुफ्तगू हुई। मुल्क को आज इत्तेहाद की जरूरत है। कुछ इतराजात थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी ये रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी डेफर की जाए और वापस सूबों के पास जाया जाए, तो कुछ मस्बत बातें हुई और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आज फिर 25 दिसंबर है, नया साल भी आने वाला है, तो हम नए साल के रेजोल्यूशन अगर यही रखें जैसे मैंने कहा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उसूल पे चलते हुए सबसे पहले इत्तेहाद की बात करें तो हम इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि मीटिंग्स का सिलसिला जारी रखेंगे। वजीर आजम इमरान खान 27 दिसंबर को कराची आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दौरे कराची में वजीर आला सिंध से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम साहब जो 27 को कराची तशरीफ ला रहे हैं तो उसमें खास तौर से उन्होंने मुझे कहा कि वो वजीर आला से भी मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं और जो ऑफिशियल दावत है वो वजीर आला को पहुँच जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग में हम जो कराची के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर कहीं हमें प्रॉब्लम आ रही है जिसमें हम वज़ीर आज़म को एक प्रेजेंटेशन देंगे, उसमें जहाँ जहाँ वज़ीर आला की सिंध हुकूमत की मदद की ज़रूरत होगी वहाँ उनको हम बताएंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि वजीर आजम के इस दौरे की इतला नहीं, वो जब कराची का दौरा करते हैं तो मुझे इतला नहीं दी जाती, हालांकि तरीक़ेकार यही है कि मुझे इसकी बाकायदा इतला दी जाए। अभी पहली बार मीडिया पे तो मैंने सुना था लेकिन मुझे पता नहीं, अभी गवर्नर साहब ने बताया कि 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आ रहे हैं, मुझे अभी तक कोई इतला उसकी नहीं है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि 27 दिसंबर को कराची में मेरी मौजूदगी मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी 27 दिसंबर को रावलपिंडी में जलसा कर रही है। वजीर आजम को आगाह कर दूंगा, हम 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो की बरसी मना रहे हैं। हर एक को पता है कि 27 को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी हम मना रहे हैं, उनको खराज पेश करने के लिए उस जगह जा रहे हैं जहां उनकी शहादत हुई थी और पिंडी में, अगर पिंडी में ना भी हो तो हम हर साल गढ़ी खुदाबख्श में मनाते हैं और जो 2007 के बाद से हर बरसी 2008 से लेके हम गढ़ी खुदाबख्श, उस दिन भी मेरे लिए कराची होना पॉसिबल नहीं था, अगर पिंडी नहीं भी होता तो मैं
रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर मेरी मौजूदगी की जरूरत है किसी मीटिंग में तो उस मीटिंग को मौखर किया जाए। इसलिए मैं पहले कैबिनेट को बताना चाह रहा था सीसीआई के बारे में। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत की तशकील गैर कानूनी करार देने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था। अदालत ने दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल बेंच तशकील दे दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत की तशकील के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल बेंच तशकील दे दिया है। परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्तों की समाअत के लिए तशकील दिए जाने वाले लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस मोहम्मद मसूद जहांगीर शामिल हैं। परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत की तशकील गैर कानूनी करार देने के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया था। वाज़ेह रहे कि परवेज मुशर्रफ इलाज के सिलसिले में दुबई में मौजूद हैं। 17 दिसंबर को खुसूसी अदालत ने अपने फैसले में उन्हें सजाए मौत सुनाई थी। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल कर लेते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार जोश व जज्बे से मनाया। गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया और दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार जोश व जज्बे से मनाया। गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया और दुआया तकरीब का अहतमाम भी किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने क्रिसमस पर पैगाम में मसीही भाइयों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूमत कौमी तरक्की के लिए अकलतों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़म है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम इंसानियत से मोहब्बत, अमन, बर्दाश्त और शफकत पर मबनी है। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस पर मुल्क भर में चर्च खूबसूरती से सजाए गए। कराची में क्रिसमस पर खास तैयारियां की गई। मुख्तलिफ मकामात पर सजाए गए क्रिसमस ट्री लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। चर्च भी बरकी कुमकुमों से सजाए गए। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी क्रिसमस के रंग नुमाया रहे। लाहौर में क्रिसमस की खुशियां दुबाला करने के लिए बेकरियों के साथ साथ लाहौर के होटलों में भी खुसूसी केक तैयार किए गए। Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। कोकब फारूकी, टैग टीवी पाकिस्तान।